गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय क्या होता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वो हम देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, तो इसमें यदि एक फलन, सबसे पहले हम रोले का प्रमेय इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि एक फलन दिया हुआ है एफ, इससे क्लोज इंटरवल ए बी से आर में इस प्रकार है कि पहला f कंटिन्यूअस है किस पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, क्लियर। दूसरा f अवकलनीय है ओपन इंटरवल ए बी पर। तीसरी कंडीशन दी है एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एक अवयव, एक संख्या, एक मान सी जो कि ओपन इंटरवल बी में बिलोंग करता है इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल जीरो। तो हम देखते हैं डायग्राम में कि यदि ए पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस में, इसका मान कितना हो जाएगा एफ ई, और यहां पर बी मान दिया है, यहां मान हो जाएगा एफ बी, और सी पॉइंट पर यह मान होगा एफ सी, और यह मान जो है मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम मान होता है मतलब एफ सी जो है आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है जीरो। इस बेस पर यह हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय में हमको यहां पर दो शर्तें दी हैं, यदि फंक्शन f a टू b पर डिफाइंड है कि नंबर एक f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, नंबर टू f इज डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तब एक c होगा जो a और b के बीच में बिलोंग करेगा, इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस प्रमेय में और रोले प्रमेय में अंतर क्या है? रोले प्रमेय में तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी है, इसमें माध्यमान प्रमेय में तीसरी कंडीशन f इक्वल टू एफ बी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए एफ डैश सी का मान यहाँ पर हमको यह प्राप्त होगा और रोले प्रमेय में एफ डैश सी का मान जीरो प्राप्त। दोनों में अंतर देख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। हमको प्रश्नावली 5.8 इसका क्वेश्चन वन है, इसमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि फंक्शन एफ कंटिन्यूअस तथा अवकलनीय है,
किस अंतराल में? माइनस टू, माइनस फोर, टू में। इस अंतराल में कंटीन्यूअस भी है और अवकलनीय भी है। कारण क्या है कि हम इस फलन को अवकलन करते हैं तो डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है, और जो फंक्शन डिफरेंशियल होता है वह है अवकलनीय भी है। तो इसका रीजन क्या होगा कि चूंकि एफ डिफरेंशियबल है, तो एफ कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस, क्लियर? तो हमारी जो दो शर्तें हैं रोले प्रमेय की वो संतुष्ट हो गई। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि पहली कंडीशन एफ इज कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ ए ए कितना है? माइनस फोर। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू, माइनस फोर माइनस एट कितना हो जाएगा? सिक्सटीन माइनस एट और माइनस एट का मान जीरो हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एफ टू, तो हम देखते हैं टू स्क्वायर, टू इंटू टू माइनस एट, इसकी वैल्यू हम देखते हैं फोर प्लस फोर माइनस एट, इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ माइनस फोर इक्वल टू एफ टू। तो रोले प्रमेय से एक सी जो होगा बिलोंग करेगा किसके बीच में? माइनस फोर टू टू में। इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल जीरो। तो आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट करिए, तो एफ एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? टू एक्स, इसका मतलब टू सी और प्लस टू, टू एक्स का डिफरेंशियल टू इक्वल जीरो। को सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू मिलेगा हमको माइनस वन, और यह माइनस वन जो है आपका इसके बीच में है माइनस फोर टू टू के बीच में, ये सही है। इसका मतलब यह फलन एफ रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। इसमें हमको मध्यमान प्रमेय दर्शाना है, तो हम देखते हैं स्पष्ट है कि पहली कंडीशन एफ इज कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन एफ इज डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल, इंटरवल कितना दिया हुआ है? वन टू फोर, और ये क्लोज इंटरवल वन टू फोर पर दिया हुआ है। क्लियर? रोले प्रमेय की पहली दो कंडीशन संतुष्ट कर रहा है, तो एक सी होगा किसके बीच में? वन टू फोर के बीच में। इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी, बी का मान कितना है? फोर, माइनस एफ ए, ए कितना दिया हुआ है? वन अपॉन बी माइनस वन, फोर माइनस वन। तो इसको सॉल्व करिए तो हम देखते हैं कि एफ डैश सी कितना हो जाएगा? टू सी प्लस
माइनस फोर इक्वल एफ बी। एफ बी का मान निकालेंगे तो आप यहां अलग से निकाल लीजिए, एफ फोर कितना हो जाएगा, फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर माइनस थ्री, कितना हो गया सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री इक्वल माइनस थ्री। और एफ वन, वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस थ्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन माइनस फोर माइनस थ्री, कितना हो गया माइनस सेवन, और प्लस वन माइनस सिक्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर वैल्यू एफ फोर है आपका माइनस थ्री, और एफ वन दिया हुआ है माइनस सिक्स अपॉन थ्री। तो सिंपल करेंगे, थोड़ा इसको और सिंपल कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स अपॉन थ्री, तो थ्री अप इक्वल टू वन आ गया, तो सी इक्वल टू आ जाएगा आपका फोर प्लस वन फाइव बाई टू, और ये फाइव बाई टू जो है आपका बिलोंग करेगा वन टू फोर के बीच में, ये बिलोंग करता है, यह सही है, इसीलिए यह फलन एफ माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो दोनों प्रकार के हमने माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय उससे क्वेश्चन को सत्यापित कैसे करना है वो हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको इसी के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।